भारत में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक नया कानून लाया जा रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। वक्फ अमेंडमेंट बिल एक इतना इंतहाई मुसलमानों के लिए नुकसानदायक बिल है। अगर इस बिल को लागू किया जाता है तो सबसे पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों की जितनी भी जायदादें हैं वो तमाम की तमाम जायदादें ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी बात, आप अगर मस्जिदों की कमेटी बनाएंगे, दरगाहों की कमेटी बनाएंगे और वक्फ की कोई कमेटी बनाएंगे तो उसमें आपको ये लाजमी होगा कि उसके कमेटी के अंदर दो नाम मुस्लिम को रखना लाजमी होगा मेंबर्स। तो इस तरह का एक बिल लाने की वजह क्या है, ये तो कोई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी मायूसी तौर पर हालत आवाम की ख़राब है, लोग क्या कि खाएं खाने को तैयार से, और ये हुकूमत एंटी इस्लाम बिल तैयार करने की कोशिश करती। ऐसा मालूम हो रहा है कि हुकूमत बनने के बाद में सिर्फ एक ही काम करने में कामयाब हुई, वो मुस्लिम एंटी बिल्स पास करने में। अब हरास और हमारे मुस्लिम ब्रदर्स का, हमारे मुस्लिम ब्रदर्स बिल्कुल थोड़ी भी कौम बने हुए हैं ऐसे इनके अहम मसले के ऊपर। मैं ये सोचा था और मैं ये समझता था कि शायद हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान जाग जाएगा, मुत्तहिद होगा और उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर मैसेज देगा, एहतजाज करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चंद एक मुसीबर मखसूस तबके के लोग, मखसूस जहन के लोग, इंटेलेक्चुअल थे, वही लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, आम पब्लिक नहीं आ रही है। कई ऐसे ऐप देकर उसमें आप एहतजाज दर्ज कराने के लिए अपील की गई, हालांकि मुस्लिम पर्सनल का वोट से लेकर कई और तंजीमों ने अपील की, लेकिन बदबख्ती की बात है हम लोग 30 से 32 करोड़ मुसलमान रहते भी 1 करोड़ भी अभी तक हम उसको नहीं पहुँच कर सके। लिहाजा मैं तमाम हैदराबाद के खासकर तेलंगाना के खासकर मुस्लिम से पुरजोर अपील करता हूँ कि आप कितने भी काम में मसरूफ होंगे उन तमाम को बावजूद रखते हुए तेलंगाना अमेंडमेंट बिल के मुखालिफ में अपने उसका मुजाहरा करें और हुकूमत को मैसेज दें कि हम इस बिल के खिलाफ ही नहीं बल्कि इस हुकूमत के खिलाफ भी हम खड़े होने वाले हैं। यार एक मिनट रुको, जरा एक काम है, ये जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ठीक है? ओके बाय।